गूगल ने अभी एक एप्लीकेशन ओपन की है डेटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्न्स के लिए, ये 2024 बैचेस के लिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या स्टाइपेंड होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे अपना रिज्यूमे को टेलर करें और क्या पर्क्स होंगे गूगल में काम करने के, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, माय नेम इज नैंसी सोलंकी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्न के ऊपर जो गूगल ने लॉन्च किया है और इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 5th of January 2024। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 बैचेस के लिए ही है सिर्फ, तो फिर इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 5th of January। उससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पूरी कर देनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ दो क्वालिफिकेशंस मांगी है, एक है नेटवर्किंग और एक है लिनक्स। अगर आपको ये दोनों चीजें आती है तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं डिस्कस करती हूँ कि इसका लोकेशन और स्टाइपेंड क्या होगा इस इंटर्नशिप का, तो लोकेशन है मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसके जो स्टाइपेंड है इंटरनेट पे वो 1 लाख पर मंथ दिया हुआ है। मेरे पास कोई अश्योरिटी नहीं है क्योंकि अभी तक मेरे को कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला कि किसी प्रीवियस ईयर के इंटर्न ने ये चीज़ डाली हो। ये इंटरनेट पे इट इज़ शोइंग 1 लाख पर मंथ, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ डेटा सेंटर इंजीनियरिंग इंटर्न। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे नेटवर्किंग अराउंड ही होंगे, जैसे कि OSI लेयर्स कितनी होती है एंड प्रोटोकॉल्स क्या क्या लगती हैं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्वर क्या होते हैं, PC कैसे काम करता है, डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नेटवर्किंग वाला पार्ट हो गया। अब हम जानते हैं लिनक्स के लिए लिनक्स के जो कमांड्स हैं और लिनक्स क्यों बेटर है विंडोज से, या फिर अगर हम मैक OS से बात करें तो फिर मतलब वो चीज़ें डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे रादर देन एक DSA राउंड रिलेटेड चीज़ें। और हाँ यार, जिन लोगों ने DSA नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, इस इंटर्नशिप में कोई तुमसे DSA इंटरव्यू में पूछ भी नहीं रहा है, तो फिर बिल्कुल सेफ है। जिन लोगों ने DSA नहीं पढ़ा है इसमें अप्लाई करो, इंटर्न लगो, अच्छा खासा स्टाइपेंड भी है और PPO लेके सेट। इस इंटर्नशिप के पर्क्स भी बहुत गूगल स्टैंडर्ड पर्क्स हैं कि वही फ्री कैब, फ्री फूड, अमेजिंग ऑफिस, गेम्स खेलने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग मिलेगा, गूगल के इंजीनियर से तुम बात करोगे, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। तो ये सारे पर्क्स हैं और ये जो इंटर्नशिप है ये 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए चलेगी। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि तुम अपना कॉलेज, अपने एग्जाम्स और इस इंटर्नशिप को साथ के साथ मैनेज कर पाओ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की इनके इंटरव्यूज में वो है कि बिहेवियर और लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, क्या ऐसा कभी कोई टाइम आया जब तुम्हारा काम किसी ने क्रिटिसाइज किया हो या तुमने किसी का काम क्रिटिसाइज किया हो। और ये जो सिचुएशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ बहुत आसान होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ पूछ के, कि मान लो ऐसा हो गया तो क्या करोगे, मान लो उसने भी मना कर दिया तो क्या करोगे, अब उसने भी मना कर दिया तो क्या करोगे। तो मतलब हमेशा तुम्हें सिर्फ संस्कारी आंसर देने हैं, बिल्कुल एथिकल आंसर देने हैं, कोई भी अपना तेज वाली चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखानी, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ संस्कारी आंसर देने हैं इन राउंड्स में। तो यार यही है मोटा मोटा इस इंटर्नशिप के बारे में। मैंने ग्लास डोर का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक, जहाँ पे जाके सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस जो इंटर्न्स थे उनसे जो पूछे हुए थे वो मैंने डाल रखे हैं। ग्लास डोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यार अप्लाई ज़रूर कर देना, बिल्कुल मत भूलना, 5th January इसकी लास्ट डेट है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो मुझसे, तो यार मेरे इंस्टाग्राम पे तुम मुझे पिंग कर सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे आंसर्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.